to my channel, subscribe and press the bell icon for more videos. शाहरुख खान को इस देश में चाहे हमारे मतभेद हो सकते हैं कुछ मुद्दे पे, लेकिन हमारे देश ने उसको भी टॉलरेट किया है ना। अमिताभ बच्चन को जैसा किया है वैसे शाहरुख खान को किया है, तो शाहरुख खान को इस विवाद में पड़ने की कोई जरूरत नहीं थी। बात सिर्फ शाहरुख खान की नहीं है, और मैं मानता हूं कि शाहरुख खान का धर्म अलग है, मुसलमान है, इसलिए उसको आप टारगेट अभी इस मामले में मत करिए। तो नयनतारा सहगल है, उसने भी यही बात कही है, जो हिंदू है लेखक और मुसलमान, ये भेदभाव मत करिए। तो अगर आप सबको अभी अगर बोले कि आपने ये कहा, ये कहा, ये कहा है, तो बात करने का पूरा अधिकार है इस देश में। शाहरुख खान ने अपना विचार रखा तो बीजेपी नेताओं के निशाने पर आ गए। शाहरुख खान की आलोचना नैतिकता की ही नहीं, देश की सरहदों को भी पार कर गई। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय की भाषा इसका साफ संकेत है। ट्विटर पर विजयवर्गीय ने लिखा, शाहरुख खान रहते भारत में पर उनका मन सदा पाकिस्तान में रहता है। उनकी फिल्में यहाँ करोड़ों कमाती हैं, पर उन्हें भारत असहिष्णु नजर आता है। विजयवर्गीय ने पहले ट्वीट में ही शाहरुख खान को पाकिस्तान परस्त करार दे दिया और विरोध की आंच की हवा देने की मुहिम में भगवा ध्वज धारी साध्वी प्राची भी कूद गई। ये बहुत शर्म की बात है, शाहरुख खान को जो इस तरह की बयानबाजी करके हिंदुस्तान की छवि खराब कर रहे हैं, और मैं समझती हूँ जो इस तरह की बात करते हैं वो हिंदुस्तानी नहीं हो सकते, निश्चित रूप से वो पाकिस्तानी एजेंट है। निश्चित रूप से चले जाना चाहिए, हिंदुस्तान का खा रहे हैं और गीत पाकिस्तान के गा रहे हैं। अगर कहीं मुस्लिम सुरक्षित है पूरे विश्व के अंदर, तो केवल और केवल हिंदुस्तान में सुरक्षित है। बीजेपी खेमे से हमले यही नहीं रुके, शाहरुख पर कैलाश विजयवर्गीय ने ट्विटर घमासान छेड़ दिया। उन्होंने पहले ट्वीट के बाद चार और ट्वीट किए। चार पांच ट्वीट में शाहरुख की देशभक्ति पर सवाल उठाए तो भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि खराब करने का जिम्मेवार भी ठहराया। विजयवर्गीय ने लिखा, ये देशद्रोह नहीं तो क्या है? भारत संयुक्त राष्ट्र का स्थायी सदस्य बनने को है, पाक समेत सभी भारत विरोधी ताकतें इसके विरुद्ध षड्यंत्र रच रही हैं। भारत में असहिष्णुता का माहौल बनाना षड्यंत्र का हिस्सा है। शाहरुख का असहिष्णुता का राग पाक और भारत विरोधी ताकतों के सुर में सुर मिलाना है। जब 1993 में बॉम्बे में सैकड़ों लोग मारे गए तब शाहरुख खान कहां थे? जब मुंबई पर 26/11 को हमला हुआ तब शाहरुख कहां थे? आज सारी दुनिया भारतवर्ष के नेतृत्व का मान कर रही है, ऐसे में यहां असहिष्णुता बढ़ने की बात करना दुनिया के समक्ष भारत को कमजोर करना होगा। शाहरुख खान पर कैलाश विजयवर्गीय और साध्वी प्राची ने लगातार हमले किए। उनका कसूर सिर्फ इतना था कि आज तक को दिए इंटरव्यू में उन्होंने ये शब्द बोले थे, आई थिंक देश में नहीं, पहले तो आई थिंक हर जगह पे सोशल मीडिया दुनिया में, आई थिंक हम थोड़े इंपेशेंट हो गए। मेरी और आपकी उम्र ऐसी है कि हमको लगता है पेशेंस थोड़ा मेलो है जैसा आप कहते हो, लेकिन जो जवान पीढ़ी है वक्त नहीं है उनके पास, तो आई थिंक ओवर रिएक्ट फास्ट कर जाते हैं। मुझे कहीं ना कहीं पर यह भी लगता है कि आवाज ज्यादा होने के बावजूद सिर्फ आवाज ही नहीं है, कहीं पर नेगेटिव आवाज भी ज्यादा हो गई है। इसका स्वागत करेंगे कि लोग जाएं, कम से कम भारत को बदनाम करने वाले लोग अपनी वास्तविकता और अपनी औकात को भी समझेंगे। एक बार जामा मस्जिद के इमाम ने पाकिस्तान जाकर के देखा था, जब कुत्तों की तरह उसको धुतकारा गया था वहां से, तो उसी प्रकार से ही हाल इनको भी होंगे। मैं कह रहा हूं ना, चाहे ये लोग आतंकी भाषा ही यहाँ बोल रहे हैं, मुझे लगता है शाहरुख खान की भाषा में और हाफिज सईद की भाषा में कोई अंतर नहीं है। देखिए अंजना जी, मैंने अपने पहले ही वक्तव्य में कह दिया था कि हाफिज सईद का नाम शाहरुख खान के साथ खुद हाफिज सईद ने जोड़ा, योगी आदित्यनाथ ने नहीं जोड़ा। क्या बात कर रहे हैं सर? सुधांशु, और दूसरी बात, ऐसा जवाब कैसे हो सकता है सर? भाई क्यों, हाफिज सईद ने नहीं कहा कि शाहरुख खान यहाँ आ जाए?
तो ये हाफिज सईद शाहरुख खान कनेक्शन तो बीजेपी समझ नहीं है कि हाफिज सईद इस देश के लिए क्या उसका मतलब है। जवाब दे कि इतना बड़ा आतंकी सांसद गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं, हम बिल्कुल जवाब दे रहे हैं, बिल्कुल जवाब दे रहा हूँ। हाफिज सईद ने क्या कहा, नहीं मतलब मैं बिल्कुल जवाब दे रहा हूँ। वंजना जी, अभी आपने थोड़ी देर पहले एक बात कही थी कि सब पार्टियां अपने अपने हिसाब से, नहीं सर आप पहले इस पर जवाब दीजिए, क्या योगी आदित्यनाथ इस पर माफी मांगेंगे? अरे मैं कह रहा हूँ कि हाफिज सईद की इतनी हिम्मत कैसे हुई है बोलने की, उसके ऊपर प्रभावी प्रतिक्रिया होनी चाहिए। और मैं आपसे पूछ रही हूँ कि योगी आदित्यनाथ की ऐसी हिम्मत क्यों हो गई? मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि हाफिज सईद का, मैं आपसे पूछ रही हूँ सर कि योगी आदित्यनाथ की ऐसी हिम्मत क्यों हो गई? प्रधानमंत्री के रहते योगी आदित्यनाथ ने, या हाफिज सईद, मैं आपसे पूछ रही हूँ कि योगी आदित्यनाथ की ऐसी हिम्मत कैसे हो गई प्रधानमंत्री के रहते? शाहरुख खान जैसे लोकप्रिय कलाकार मुंबई के अंदर जिस प्रकार के उसने कत्लेआम करवाया, उस प्रकार की प्रतिक्रिया नजर आई क्या? वो प्रतिक्रिया करवाइए, उसके बाद आप प्रश्न पूछिए योगी आदित्यनाथ से। नहीं, मैं आपसे अभी भी पूछूंगी सर प्रश्न, जो आपने और प्रश्न पूछा था उसका मैं इसी वक्त प्रश्न पूछूंगी और फिर से पूछूंगी। और मैं एक और बात योगी आदित्यनाथ को इतनी हिम्मत कैसे हो रही है प्रधानमंत्री के रहते? अगर राष्ट्रपति पूछ रहा है तो ये भी पूछ लीजिए। एक सेकंड सर, नहीं मैं पूरी विनम्रता से कहना चाहूंगी, नहीं आप इस सवाल से नहीं बच सकते। नहीं नहीं, मैं सवाल नहीं, मेरा सवाल नहीं, सवाल नहीं, मैं बचने की बात नहीं कर रहा हूं। शाहरुख खान पूरी विनम्रता से कह रहा हूं कि बॉलीवुड के वो लोग जो दाऊद इब्राहिम की पार्टियों में जाते थे, पहले उनसे क्षमा याचना करने के लिए कहिए। योगी आदित्यनाथ को कैसे इतनी हिम्मत हो गई प्रधानमंत्री के रहते कि वो शाहरुख खान जैसे भारतीय कलाकार को योगी सही कह रहे हैं? तो बयान ही बड़ा भयानक हो गया। और दाऊद की पार्टियों में जाना गलत नहीं था, हाफिज सईद पे रिएक्ट नहीं करना गलत नहीं था, वो पूरी बात करिए। और देश की अस्मिता पर जिन्होंने क्वेश्चन उठाया वो भी बात करिए। मेरे सवाल का जवाब दीजिए, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। एक तरफा मत, सुधांशु जी मेरे सवाल से मत भागिए, मेरे सवाल का जवाब दीजिए, सुधांशु जी मेरे सवाल से मत भागिए।